तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो हाफ कॉलर होती है ना उसको लगाने का एकदम नया और आसान तरीका। तो ये देखिए, ये मेरे पास बैक वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है। और गला मैंने ऑलरेडी कट किया हुआ है, ठीक है। पान गले में मैं बनाऊंगा कॉलर। अब बनाने किस तरीके से, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मली हम गला जमाते हैं ना, सेम तरीके से आपको इसमें जमा लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अगला प्रोसीजर बताता हूँ। तो देखें दोस्तों, गले को मैंने इसमें जमा लिया है। अब आपको क्या करना है, ये बनाना है फ्रंट वाले पार्ट में, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरे पास में फ्रंट वाला पार्ट है। ये आपको जो गला यहाँ से कटा हुआ नज़र आ रहा है ना, लास्ट वीडियो में मैंने इसको जनरली वैसे ही मैंने आपको कट करके दिखा दिया था, ताकि जो फ्रंट और जो बैक वाला पार्ट है ना, इसके शोल्डर में इस तरीके से मिला सकूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस गले को जमाना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात को ध्यान रखना है आपने, ये जो गला हम इस तरीके से जमाएंगे ना, इसमें क्या करना है आपको, गले के यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप इसे 3 इंच छोड़ दें, ऊपर वाली साइड से आपको 3 इंच छोड़ना है, ठीक है। और एक निशान आपको लगाना है इस तरीके से, ठीक है। और सेम निशान आप इस तरफ भी लगा लें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है, ठीक है। नॉर्मली हम जो गला बनाते हैं, हम उसमें जो सिलाई लगाते हैं ना, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस गले में आपको क्या करनी है, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, इस तरीके से ऐसे लेके आनी है और यहाँ पे लाके इसको ख़त्म कर देनी है। अब ये कैसे बनेगा, मैं आपको मशीन पे समझाता हूँ। तो देखिए, यहाँ से आपको सिलाई स्टार्ट करनी है, अब आपको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है इस तरीके से, और इस कपड़े को कट करना है। हल्के हल्के आपको यहाँ पे कट लगाने, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो भी मार्जिन है ना, ये इस तरीके से देखिए बाहर की साइड आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। और जो गला ये अंदर की ओर चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो मार्जिन है ना, यहाँ पर आप एक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लें, और उसके बाद में जो गला मैंने जो बनाया है ना, इसके यहाँ पे आप पूरे में किनारे की सिलाई लगा लें। इस तरीके से गला बनाने के बाद क्या कर रहा है, अब जो बैक वाला हमारा पार्ट है ना, ठीक है, इसके आपको शोल्डर जोड़ने, किस तरीके से, इसको ऐसे रखना है और इसको रखना है इस तरीके से। अब ये वाला जो पार्ट है, ये आपका इस तरफ जुड़ जाएगा, ठीक है, और एक पार्ट आपका जुड़ जाएगा इस तरफ। शोल्डर जोड़ने के बाद में फिटिंग की सिलाई में लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कॉलर लगानी कैसे है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, अब बात करते हैं कॉलर की, कॉलर लगाना किस तरीके से। आपको सबसे पहले नापना कि कॉलर है किस साइज का। तो यहाँ से देखिए, आपको एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है ना, यहाँ पे इंच टेप को आपको इस तरीके से रखें और इस तरीके से इसको नापें, ठीक है। ये जो कॉलर इसमें लगेगा, ये लगेगा 14 इंच का, ठीक है। अब आपको कॉलर कट किस तरीके से करना है, बहुत सिंपल तरीका बताऊँ कॉलर कट करने का। ऐसे इसको आप सबसे पहले डबल फोल्ड करें बुकरम को, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक बिल्कुल आपने यहाँ पर सीधा निशान लगाना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में देखें, जो साइज मैं रख रहा हूँ ना कॉलर का, मैं रख रहा हूँ 14 इंच, ठीक है। 14 का हाफ बनेगा 7 इंच, तो आपको 7 इंच पर इस तरीके से एक निशान लगाना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, ये वाला जो निशान है ना, सीधा मैंने लगाया ना, उसके बाद में इसको हल्का सा इस तरीके से घुमाना है। ये देखें, हल्का सा घुमाना, ज़्यादा नहीं घुमाना, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से घुमाना है। उसके बाद में वापस से अब आपको 7 इंच पर निशान लगाना है किस तरीके से। यहाँ मैंने 7 इंच पर इसको इस तरीके से रख दिया, अब इसको इस तरीके से आप गोलाई में लेके जाएं। तो ये देखें, इसको मैंने राउंड शेप दी, तो हल्का सा छोटा हो गया ना यहाँ पे, तो ये निशान आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर आपको एक निशान लगाना है, 1 इंच पर लगा सकते हो या फिर आप लगा सकते हो 1.25 इंच पर, ठीक है, इस तरीके से लगाना है। और इसी शेप में आपने इस निशान को बनाना इस तरीके से। देखें, मैं यहाँ भी लगा देता हूँ 1.25 इंच पर निशान, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और एक निशान मैं लगा देता हूँ यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। अब इस निशान को देखिए, इस तरीके से लेके जाना है और इस वाले निशान में जाके इसको ऐसे मिलाना है, ठीक है। अब ये जो मैंने निशान लगाया था ना, यहाँ से आपको इस तरीके से हल्की सी राउंड में से शेप को घुमाना है इस तरीके से, ठीक है। तो कॉलर का निशान मैंने लगा दिया, अब इस निशान से आप इसकी कटिंग कर लें।
तो ये देखें कॉलर को मैंने इस तरीके से कट कर दिया है, ठीक है। अब इसको कपड़े पे जमाना है। कपड़े पे किस तरीके से जमाना है, इसको इस तरीके से रखना है, ठीक है। और नीचे वाला जो भाग है यहाँ से आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है हाफ इंच की दूरी पर। एक्स्ट्रा मार्जिन कट करना है, उसके बाद में इसको इस तरीके से करना है और वहाँ अपने यहाँ पे बुकरम के बिल्कुल किनारे पे सिलाई को लगाना है। फिर आपको हाफ इंच का मार्जिन रखना है नीचे वाली साइड से, और जो हमने सिलाई भी लगाई ना ऊपर, यहाँ भी आपको हाफ इंच का मार्जिन रखकर इसकी इस तरीके से कटिंग करनी है। और यहाँ से जो राउंड में शेप आ रही है हल्के हल्के आप इस तरीके से कट लगा लें, ठीक है। फिर इसको आप इस तरीके से सीधा कर लें, ये देखें, ठीक है। मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, मैंने जो एक कॉलर बनाया है ना, मैंने बनाया बुकरम का, ठीक है। वैसे अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग से अगर कॉलर बनाना है तो आप पेस्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली घरों में क्या बुकरम ही अवेलेबल होती है, तो मैंने बुकरम से आपको बनाना बता दिया। फिर कभी वीडियो में अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा पेस्टिंग से अच्छे तरीके से कॉलर कैसे बनाएं, ठीक है। अब क्या करना है, जो कुर्ती इसको ऐसे ही रहने देना है कि रोंग तरफ से रखना है, और जो कॉलर है ये इस तरीके से करना है, और ये वाला जो मार्जिन है ना ये आपने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, इसको इस तरीके से करना है, और ये वाली जो साइड है यहाँ से आप इसको हल्का सा इसको स्टिच कर लें, यानी कि इसको इसके साथ में जोड़ लें ताकि ये आगे पीछे ना सरक सके। और इसको आप यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, ये वाला जो भी सारा मार्जिन है ये इस तरीके से अंदर चला जाएगा कॉलर के, और अब आपको यहाँ पे एकदम बिल्कुल किनारे की सिलाई कॉलर में लगानी है। तो ये देखिए दोस्तों, कॉलर मैंने लगा दिया है। अब एक बार मैं पूरी कुर्ती को सीधा करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने बुकरम से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से कॉलर को लगा दिया है, आप एक बार करीब से देखेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो का बनाता रहता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ कॉलर पर ध्यान रखें, बाजू अगर मैंने नहीं लगाई इसको आप इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और ये देखें, इसकी प्रेस वगैरह करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लुक देगा। इस तरीके से देखें, ये जो शोल्डर है ये आपको पता है कॉलर वाले ऊपर नीचे रहते हैं, फ्रंट की तरफ आते हैं। तो ये देखें कितना फिनिशिंग से और कितना अच्छे तरीके से मैंने कॉलर को लगाया, एकदम बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई है। तो ये देखें, तो छोटा सा मेरा वीडियो था आज ये, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे कॉलर लगाने का तरीका पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कुछ डाउट है कुछ पूछ रहे हैं तो कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।